देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच पीएम मोदी आज करेंगे कोरोना को लेकर अहम बैठक। राज्यों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी आज बैठक की समीक्षा करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियों का जायजा लेंगे। दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट मोड पर। सभी कोरोना पॉजिटिव केस के सैंपल अब जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 250 के पार पहुंची, अब तक 17 राज्यों में पहुंची। गुजरात में ओमिक्रॉन के 9 नए केस मिले हैं और प्रदेश में ओमिक्रॉन से कुल अब संक्रमितों की संख्या 23 तक पहुंची है। केरल में ओमिक्रॉन के 9 नए केस मिले हैं। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद अब 24 तक पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन का दूसरा केस सामने आया है। केनिया से चेन्नई होते हुए तिरुपति पहुंची थी महिला। जयपुर में मिले ओमिक्रॉन के 4 और नए केस। जवाहर नगर इलाके में पति पत्नी संक्रमित। राज्य में कुल केसेस 22। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 14 नए केस सामने आए हैं। नए वेरिएंट से अब तक 38 लोगों की संक्रमित की बात। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। स्कॉटलैंड से लौटी 23 साल की महिला पाई गई है संक्रमित। हरियाणा के फरीदाबाद में कनाडा से लौटी महिला मिली है कोरोना संक्रमित। राज्य में अब 4 लोग होंगे इस वेरिएंट के। पश्चिम बंगाल में विदेश से लौटे 2 और लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में कुल ओमिक्रॉन की संख्या अब 3 हो गई है। ओडिशा में ओमिक्रॉन के केस मिलने के बाद सीएम नवीन पटनायक ने जनता से सावधानी बरतने की सलाह दी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच राहुल ने सरकार से किया सवाल, कोरोना की बूस्टर डोज कब उपलब्ध कराई जाएगी। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की करीब 140 करोड़ डोज लगाई गई है। बुधवार को 62 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई है। 100% टीकाकरण के लक्ष्य के लिए दिल्ली तैयार। 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 97% आबादी को अब तक नहीं लग चुकी है पहली डोज। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की चेतावनी, कहा कि ओमिक्रॉन ज्यादा संक्रामक। ओमिक्रॉन केस बढ़ने पर बोले कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज का वक्त आ गया है। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के घर तक पहुंचा कोरोना। पत्नी डिंपल और बेटी कोरोना संक्रमित है। अखिलेश ने अभी तक नहीं ली है वैक्सीन। डिंपल यादव ने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने की अपील किया है, कहा कि मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं। सीएम योगी ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की। पत्नी डिंपल यादव और बेटी का हालचाल जाना। देश में कोरोना के 6,317 नए केस। 24 घंटे में 318 लोगों की कोरोना से जान गई। दिल्ली में 6 महीने में सबसे ज्यादा कोरोना केस आए हैं। 24 घंटे में कोरोना के 125 नए मामले आए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जिलाधिकारियों को निर्देश, सभी जरूरी कदम उठाएं। डीडीएमए ने कहा कि प्रशासन सुनिश्चित करे कि कोई सामूहिक आयोजन ना हो, बिना मास्क के एंट्री पर लगे बैन। प्रशासन के आदेश के बाद भी नहीं मान रहे हैं दिल्ली के लोग। सरोजनी मार्केट में खरीदारी के लिए उमड़ रही है भीड़। बहुत जल्द बाजार में आएगी पहली एंटी कोरोना गोली। फाइजर की कोविड पिल और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली। हाई रिस्क लोगों को दी जा सकेगी गोली। 12 साल से ऊपर के लोगों पर करेगी असर। एफडीए की मंजूरी मिलने को बाइडेन ने बताया महत्वपूर्ण कदम, कहा कि अब ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविड पिल का समान तरह से वितरण किया जा सके। फ्रांस में 5 से 11 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हुआ। आज फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2100 करोड़ की 27 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 10 दिन में दूसरी बार वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पिंडारा में 465 करोड़ की लागत से बने अमूल दूध प्लांट का शिलान्यास करेंगे। दूध उत्पादकों को 35 करोड़ रुपए बोनस का ऑनलाइन ट्रांसफर भी किया जाएगा प्रधानमंत्री की ओर से। 1,70,000 दूध उत्पादकों को मिलेगा फायदा। वाराणसी दौरे को लेकर पीएम मोदी ने दिया किया ट्वीट, मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए विकास कार्यों को समर्पित करने जा रहा हूं। आज अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की संयुक्त रैली, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ नजर आएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11:30 लखनऊ पार्टी ऑफिस में मीडिया से मुखातिब होंगे। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी देंगे श्रद्धांजलि। लखनऊ में किसान सम्मान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का होगा उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मेरठ में उद्घाटन करेंगे। योगी सरकार ने अयोध्या में भूमि खरीद में कथित घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। कई मंत्री अधिकारियों के रिश्तेदारों के नाम सामने आए हैं। योगी सरकार ने कथित घोटाले की जांच का जिम्मा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी को सौंपा है। 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जमीन खरीद में हुई गड़बड़ी के आरोप पर राहुल गांधी का तंज, ट्विटर पर लिखा, हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदूवादी धर्म की आड़ में लूटता है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कथित जमीन घोटाले को लेकर नाम के साथ लगाए आरोप, मामले की जांच की मांग की। श्रीनगर के ईदगाह में आतंकी हमला, फायरिंग में स्थानीय नागरिक की मौत। अनंतनाग के बिजबेरा में पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ शहीद, आतंकियों ने 4 गोली मारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने आतंकी हमले की निंदा की, शहीदों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। कोची में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना का मुआयना किया, नौसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अंडमान और निकोबार में तीनों सेना का संयुक्त अभ्यास, जवानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के मार्स लुबशन को बड़ा फायदा, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने। टेस्ट कैप्टन विराट कोहली एक स्थान नीचे खिसके टेस्ट रैंकिंग में 756 पॉइंट्स के साथ 7वें स्थान पर। दक्षिण अफ्रीका में डिनर पर गए क्रिकेट प्लेयर्स, कप्तान विराट कोहली नजर नहीं आए। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।